प्रकाश करात ने कहा कि अलमुद्दीन पार्टी ऑफिस से नोना पुकुर ट्राम डिपो तक एक शोक यात्रा निकाली जाएगी निरुपम सेन की याद में। वहीं उन्होंने कहा कि उनके मृत देह को अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर रखा जाएगा जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं से उनकी मृत देह को वर्धमान उनकी पैतृक घर पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निरुपम सेन जब CPIM के नेता बने थे तो वो वर्धमान से ही बने थे, इसलिए उनका वर्धमान से कुछ खासा ही लगाव है और वर्धमान के लोगों का उनसे एक अलग ही प्यार और प्रेम का रिश्ता है। अंत में प्रकाश करात ने निरुपम सेन के प्रति शोक जताया और कहा कि उनकी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के परिजनों के साथ है। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के वामपंथी आंदोलन के एक शीर्ष नेता थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वर्किंग क्लास मूवमेंट और किसान आंदोलन को विकसित करने में जो योगदान दिया, खास तौर पर बर्धमान जिले में उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रसार के लिए जो काम किया वो हमेशा हम याद रखेंगे। हम सब जानते हैं कि कॉमरेड निरुपम सेन वाम मोर्चे सरकार में मंत्री रहे थे, उद्योग मंत्री, और उद्योग नीति के ही नहीं बाकी सरकार के तमाम क्षेत्रों में नीति बनाने में उनके निर्णायक भूमिका थी। वो मार्क्सवादी थे और बहुत साफ विचारधारा के थे। हमारे पार्टी में पार्टी शिक्षा के लिए भी उनका अहम भूमिका थी। ऐसे मूल्यवान साथी को हमने खोया है और उसमें हमें बहुत दुख है। हम उनके परिवार के लिए